Rahman Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. Aaj hamara jo topic hai wo screen mode ke hawale se hi hai. Last time humne screen mode ko study kiya tha, yani screen shade ko bhi padhi aur uska syntax aur usko humne samajhne ki koshish ki thi. Aaj hum screen statement ke modes yani uske example ke taur pe uske liye jo modes hain unki hum aaj wazahat karenge. और इस इन्हीं मोड में से मोड को चेंज करते हुए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा. तो देखिए लास्ट टाइम जब हमने स्क्रीन स्टेटमेंट का हमने सिंटैक्स पढ़ा था तो उसमें हमने लिखा था स्क्रीन स्टेटमेंट पहले हम लिखेंगे कीवर्ड, देन हम आगे उसका लिखेंगे मोड. जैसे कि सिंटैक्स में था स्क्रीन मोड और आगे कॉमा में सेपरेट करते हुए कलर स्विच. तो उनमें से पहला मोड जो है हमारे पास वो जीरो मोड है और जीरो मोड के अंदर ये ओनली टेक्स्ट मोड है. जीरो मोड के अंदर यू कैन ओनली व्यू द टेक्स्ट यानी इसमें ग्राफिक्स आप नहीं देख सकते. जैसे कि इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है कि दिस मोड डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट यानी दिस वन इज अ टेक्स्ट मोड एंड वी कैन डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट. टेक्स्ट मीन लाइंस और न्यूमेरिकल डाटा यानी इसके अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट यानी बॉक्स लाइन ट्रायंगल सर्कल इस तरह से आप कोई ड्राइंग नहीं बना सकते. दूसरा मोड हमारे पास मोड नंबर वन है. मैंने आपको बताया था कि जहां सेंटेंस के अंदर मोड का लफ्ज लिखा हुआ है मोड की जगह हमने जब प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट को लिखेंगे तो मोड की जगह वन यूज करेंगे या जीरो या टू या सेवन या एट या ये मोड में लास्ट जो लेक्चर हुआ उसमें मैंने डिस्कस किए. तो जो मोड नंबर वन है ये हमें जो रेजोल्यूशन मुहैया करता है वो है 320 by 200. इसका मतलब हॉरिजेंटली एंड दिस वन इज द हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल एरिया ऑफ द स्क्रीन. जितनी ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर्स ऑफ पिक्सल बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो बढ़ती जाएगी यानी उसमें इजाफा होता जाएगा और हमारी पिक्चर क्वालिटी और मूवी की क्वालिटी डायग्राम की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा अच्छी नजर आएगी. तो ये मूवी या पिक्चर की जो क्वालिटी है ये डिपेंड करती है आपके मोबाइल के नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर. तो नंबर ऑफ बिट्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो नंबर ऑफ बिट्स हैं 320 मल्टीप्लाई क्योंकि स्क्रीन जो है ये हॉरिजॉन्टल एरिया होता है. तो जैसे हम ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं कि ये एक वर्टिकल एरिया है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल एरिया. तो मॉनिटर में भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एरिया जो है वो एक साइड इसकी 320 होगी पिक्सल और दूसरी साइड जो होगी वो 200 होगी. अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है इसका मतलब कि इतने नंबर ऑफ बिट्स एक पिक्चर जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है आपको पिक्चर दिखाने के लिए कंप्यूटर एक पिक्चर को शो करने के लिए इतने नंबर ऑफ बिट्स यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा. तो इतने नंबर ऑफ बिट्स को आपकी स्क्रीन सपोर्ट कर रही है. जितने ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ती जाएगी. इसीलिए लोग जब मोबाइल आजकल परचेज कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे ये बात आम है कि ये आपका कैमरा जो है मोबाइल का वो कितने मेगापिक्सल का है. तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है मेगापिक्सल मेगापिक्सल पहले बिट आता है फिर बाइट फिर किलोबाइट फिर मेगाबाइट फिर गीगाबाइट इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं. ये कंस्ट्रक्शन जो मेमोरी के मेजरिंग यूनिट्स थे ये हम पहले हम पढ़ चुके हैं ये आप जानते हैं ठीक है. आगे नेक्स्ट जो नंबर टू मोड है इसके अंदर ये सपोर्ट करता है 640 × 200. इसका मतलब कि इसकी मोड टू जो है इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है. तो ये रेजोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से ये ओनली लेकिन ये कलर ओनली कैन शो ओनली टू कलर ये दो कलर दिखा सकता है. नंबर सेवन मोड जो है वो 320 × 200 यानी ये 16 कलर सपोर्ट करता है. अब आप कहेंगे ये मोड बढ़ता जा रहा है और पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल कम है तो इट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ योर ग्राफिक्स कार्ड. ये हमने नहीं बनाया ये कंपनी ने जिस तरह से बनाया उसी तरह से जो कंप्यूटर प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिस तरह से ये डिजाइन किया गया उसी हवाले से हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो मोड 7 है उसमें 320 एक साइड यानी हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो उसके पिक्सल है वो है 200। इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा इसका मतलब आपके पिक्चर जो मूवी की शक्ल में चलेगी वो एक एक पिक्चर आ रही होती है आपको पता है तो वो उतने मेगा पिक्सल को सपोर्ट करेगा और ये 16 को सपोर्ट करता है। नंबर 8 मोड जो है ये 640x200 मेगापिक्सल को ये सपोर्ट करता है यानी कि जो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो पिक्सल आएंगे उतने पिक्सल को ये सपोर्ट करता है। इस तरह जो मोड 9 है ये 640x480 है ये जरा ज्यादा है नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा बढ़ जाते हैं इसका मतलब ये भी टू कलर यानी ब्लैक एंड व्हाइट आगे लिखा टू कलर मीन ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर को कलर तो दो को ये सपोर्ट करता है। द लास्ट वन इज नंबर 10 ये भी 640x350 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है यानी इसकी रेजोल्यूशन ये है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 640x350 और ये सपोर्ट करता है 16 कलर्स को। तो ये तो हमने मोड्स को डिस्कस किया आपके बुक में भी ये टेबल बना हुआ है आप इनको याद कीजिएगा ये होमवर्क के तौर पे ये एमसीक्यू सारे मान के आ सकते हैं कि जीरो मोड क्या सपोर्ट करता है वन मोड में क्या रेजोल्यूशन है मोड 2 की क्या रेजोल्यूशन है मोड 7 की क्या रेजोल्यूशन व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ मोड 8 नंबर 9 व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ मोड 9 एंड व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ मोड नंबर 10 तो आपने फिर इन नंबर्स के ऊपर इन सर्कल करना है जो ये सारे एक तरह के एमसीक्यूज के हवाले से ही है और अगर स्क्रीन स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो स्क्रीन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे इसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करेंगे और इसके मोड डिस्कस करेंगे और इसमें ईजीए सीजीए जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा ये भी इसमें ऐड करेंगे और इसके मोड्स भी आप डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक यहाँ तक इसमें था पेज नंबर 80 पे आप मैंने आपको निशान लगा दिए थे। अब हम चलते हैं ये समझने के बाद कि अब हम इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या इसको कैसे यूज करेंगे हम ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे तो हम याद रखिएगा ये नंबर्स यूज करेंगे। जब हम जीरो मोड यूज करेंगे स्क्रीन स्टेटमेंट के साथ तो दिस बी यू कैन व्यू ऑन ए टेक्स्ट यू आर इन द टेक्स्ट मोड। जब आप वन यूज करेंगे तो दिस बी इट इज अ ग्राफिक्स मोड बट इट्स मोड 320x200 तो ये इस तरह से। अब हम एग्जांपल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। एग्जांपल प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए आपकी बुक में भी जब सर्कल स्टेटमेंट जहां पढ़ाई गई है वहां से ये मैंने एग्जांपल ली है तो ये दोबारा रिपीट करेंगे जब सर्कल स्टेटमेंट पढ़ेंगे लेकिन सर्कल स्टेटमेंट में थोड़ा सा यहां भी एक्सप्लेन कर लूंगा ताकि आप ये प्रोग्राम समझ आ जाए भी ज्यादा इतना तो मुश्किल नहीं है। आपको मैंने कई प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकल्स करवाए और हम ये जानते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इनडायरेक्ट मोड में हम काम करते हैं और इनडायरेक्ट मोड एक ऐसा मोड है जिसमें हर कमांड से या स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबरिंग हम इस्तेमाल करते हैं और ये भी मैंने बता दिया था कि कितनी लाइन नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक ये भी एमसीक्यू में बात कर चुके थे। तो पहली लाइन पहली स्टेटमेंट हमने लिखी CLS लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी लेकिन बात को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम को सही तरह से अटेम्प्ट करने के लिए हर प्रोग्राम में आप CLS कमांड लाजमी नंबर 10 पे लगाया करें। नंबर 2 20 के ऊपर लिखा स्क्रीन 1 स्क्रीन स्टेटमेंट आ गई मोड की जगह हमने लिख दिया 1 तो दिस वीक स्क्रीन 1 मीन स्क्रीन ये मोड है नंबर 1 तो इसका मतलब कि स्क्रीन मोड जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी यानी ग्राफिक्स की शक्ल में आपकी स्क्रीन ढल जाएगी यानी इस काबिल हो जाएगी कि आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल बॉक्स ट्रायंगल इस तरह की ड्राइंग आप यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक नई स्टेटमेंट जो आगे हम पढ़ेंगे जाके 30 के ऊपर मैंने लिख दिया सर्कल तो सर्कल क्या करता है इट ड्रॉज द सर्कल ये सर्कल बनाने की स्टेटमेंट है बस इतनी हमने लिखी। अब आगे ये क्या है ब्रैकेट के अंदर दिस वन इज द कोऑर्डिनेट आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्क्रीन की हमारे पास आम तौर पे लाइनों में लाइंस की बात कर रहा हूं कि 25 लाइनें होती हैं और 80 कॉलम होते हैं लेकिन
जब हम नंबर ऑफ पिक्सल में ग्राफिक्स में आ जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये पोजीशन है, ये रो कॉलम में पोजीशन है, यानी रो 40 एंड कॉलम नंबर 80 पे ये पोजीशन बताई है हमने, कोऑर्डिनेट्स बताए हैं कि अगर मैं यहां फिगर रखता हूं तो इसका मतलब ये ऊपर से एज चलते हुए रो कौन सी है और इधर से आते हुए कॉलम कौन सा है। लास्ट में मैंने कॉलम का जिक्र किया था, कॉलम तो यहां नंबर ऑफ पिक्सल की बात हो रही है कि कौन से रो कॉलम पिक्सल वाइज कहां किस पोजीशन पे सर्कल ड्रा हो। बट दिस वन इज 100, दिस कैन बी 50 और एनी वैल्यू, बट ये क्या है, ये भी चेंजेबल है, ये भी चेंजेबल है, लेकिन 100 मीन दिस वन इज द रेडियस। रेडियस का मतलब हाफ ऑफ अ सर्कल, हमें लाजमी तौर पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए ये रेडियस लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये वैल्यू हम नहीं लिखते तो सर्कल नहीं बनेगा। ये तो जस्ट पोजीशनिंग है कि सर्कल मॉनिटर की स्क्रीन के किस पोजीशन के ऊपर नजर आए, लेकिन ये जो 100 है दिस मीन रेडियस, तो इट इज अ हाफ ऑफ अ सर्कल। तो ये आपको जब आप इतना प्रोग्राम लिखने के बाद 40 के ऊपर प्रोग्राम को ऐड करें तो नीचे खाली जगह पे जाके आप F2 प्रेस करें, आपको मैंने समझाया था, तो F2 प्रेस कर दें या नीचे रन लिख के एंटर प्रेस करें, दो तरीके हमने आप पढ़े हुए लास्ट टाइम। तो जो ही आप F2